एक नेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं, इस बार भी, इस बार हम लखनऊ में उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, पिछले साल बेंगलोर में हुआ था वगैरह वगैरह। और इसका मकसद क्या है कि हम चाहते हैं कि जैसे मतदाता जागरूकता, लोग सोच समझ के वोट दें, और चुनाव सुधार, राजनीति सुधार, इसी पे हम काम करते हैं। और रही ये रिपोर्टिंग की बात, तो जो उत्तर प्रदेश का जो फाइनेंशियल और क्रिमिनल रिकॉर्ड का है, मैं संजय जी से थोड़ी देर के बाद जिक्र करूंगा कि वो खुद ही बता दें, मगर ये जो अभी सर्वे रिपोर्ट है तो ये है एक आईना है। तो 2014 में हमने किया, 2016-17 में किया और अभी कर रहे हैं, तो ये शायद विश्व में सबसे बड़ा सर्वे है जो हमने 530 या 540 ये जो लोकसभा के चुनाव क्षेत्र हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज में किया है। और इसका मकसद ये है कि अभी चुनाव सुधार की बात होती है, राजनीतिक सुधार की बात होती है, अंत में लोग चाहते क्या, लोग चाहते हैं कि भाई सरकार, गुड गवर्नेंस, कि सरकार अपना काम ठीक से करे। अब गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है, तो ये रिपोर्ट वही बताता है कि जनता के मन में क्या है कि गुड गवर्नेंस क्या है। तो हम जनता को पूछ रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, वही है अभी पाकिस्तान से जंग होने वाला है कि नहीं हमें नहीं मालूम, तो टेररिज्म है, रोजगार है, पानी है, बिजली है, रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह वगैरह, आप क्या चाहते हैं। तो इस रिपोर्ट में हमने देश भर में किया है, और अभी जैसे कह रहे हैं कि कल परसों में इसको रिलीज़ कर देंगे, तो ये रिपोर्ट की पूरी कॉपी भी है। तो इसमें ये करने का मतलब क्या है, हम ये चाहते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में या भारत में जो भी सरकार जीत के आए, सबका आमंत्रण है, सबका स्वागत है, कोई भी सरकार आए किसी भी पार्टी का, मगर जनता की आवाज़ को सुने और जनता जो चाहती है वो वाला काम करे। और इसका भी एक कारण मैं